नमस्कार, मैं नेहा खान, स्वागत करती हूँ आपका जीएन भारत में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एयरपोर्ट के समक्ष, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के यहाँ पे आगमन होने वाला है। और वहीं यहाँ पे जो है काफी धूमधाम मची है, यहाँ पे नगाड़ों के साथ ढोल बाजों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। हालांकि आप यहाँ पे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि महिलाओं में भी कितनी ज्यादा उत्साह नजर आ रही है। यहाँ पे महिलाएं जो है सारी नाचती फिरती नजर आ रही है। यहाँ पे माहौल जो है काफी नजर आ रहा है। सारे जो है आरजेडी के जितने नेतागण हुए या सारे लोग जो है वहाँ के कार्यकर्ता हुए, सारे यहाँ पे लोग मौजूद है। और सभी के चेहरों पे जो है खुशियाँ झलकती हुई जो है वो नजर आ रही है। वहीं हम बात करेंगे यहाँ की जो ये है अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, हम उनसे जानेंगे और यहाँ पे बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहेंगे। आज तेजस्वी यादव आ रहे हैं, महिलाओं में दुगना उत्साह है आज उनके स्वागत में, भव्य रूप से उनका स्वागत किया जा रहा है, आने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और आज हम सब अति उत्साह है, काफी खुशियां नजर आ रही है। कैसा लग रहा है ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से झारखंड में पहली बार आ रहे हैं डिप्टी सीएम होते हुए और उनका भव्य रूप से स्वागत हम लोग करेंगे। आज महिलाएं दिखा देंगी कि किसी से कम नहीं है। मिलन समारोह में क्या कुछ खास होगा? खास होगा, भव्य रूप से उनका स्वागत किया जाएगा। कोने कोने झारखंड के कोने कोने से लोग आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि महिलाएं जो है किस तरह से यहाँ पे उनका स्वागत कर रही है, नाच गानों के साथ जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पे सारे कार्यकर्ता जो है आरजेडी के सारे लोग यहाँ मौजूद है। तो वही हम कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, जानेंगे उन लोगों से भी कि क्या कुछ कहना है उनका और वो क्या कुछ कहेंगे। महासचिव हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है, पहली बार उनके झारखंड में आगमन हो रहा है? नहीं नहीं, पहली बार नहीं हो रही है, इसके पहले भी तेजस्वी जी आए थे और पूरी गर्मा गर्म गर्मजोशी के साथ ही वो आए थे और मीटिंग भी कार्निवाल हॉल में ही हुई थी और उसके बाद वो बोले थे कि हम हर मंथ आएंगे, लेकिन बिहार की राजनीतिक जो हम लोगों की सरकार बनी उसके कारण से थोड़ा दिक्कत आ रही थी, उसके कारण से हम लोग झारखंड में अब वो भी एकदम गर्मजोशी से उनकी स्वागत किया जा रहा है और झारखंड को मजबूत किया जाएगा आरजेडी से और पूरे काशियों सीट पर हम लोग लड़ने का चेष्टा करेंगे और जो भी महागठबंधन का निशान यदि होगा तो वो भी हम लोग मानने के लिए तैयार है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम लोग लड़ने की चेष्टा करूंगा। इस बार मिलन समारोह में क्या कुछ खास देखने को? मिलन समारोह में हम लोगों को कार्यकर्ता को ज्यादा जागरूक करना है, प्रदेश पदाधिकारी को, जिला प्रभारी को, सबों को एकजुटता लाने के लिए हम लोग इसी का मिलन समारोह किया जा रहा है। धन्यवाद। तो ये थे वहाँ के केंद्रीय अध्यक्ष और हम यहाँ पे जो है उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका, क्या कुछ कहेंगे। काफी उत्साह का माहौल जो देखा जा रहा है, आज उनका दूसरी बार यहाँ पे आगमन। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं, पहली बार जो है उप मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पहुँच रहे हैं। आज हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा में हजारों हजार की संख्या में आप देख रहे हैं, काफ़ी उत्साह है। राष्ट्रीय जनता दल के सारे कार्यकर्ता और नेता में काफ़ी उत्साह है, ये मिलन समारोह में आ रहे हैं इसलिए आज जो खुशी का माहौल देख रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव को आज हम लोग जो है स्वागत करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं, इसलिए आज ये माहौल पूरा रंग से भरा हुआ माहौल है, आज जो है खुशी का माहौल है, इसलिए आज हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं उनका स्वागत के लिए। धन्यवाद। क्या कुछ देखा जाएगा इस बार मिलन समारोह में, क्या कुछ खास और नया देखने को मिलेगा? खास यही है 2024 का मिशन, 2024 में यहाँ जो जलवा होगा, राष्ट्रीय जनता दल का जो मेहनत का फल मिलने वाला है 2024 में, ऐसा हम लोगों का माहौल रहेगा, ऐसा हम लोगों का जो है राष्ट्रीय जनता दल का माहौल बनेगा कि 2024 में आने वाला भविष्य जो रहेगा उज्जवल भविष्य रहेगा और ताला चाबी जो है राष्ट्रीय जनता दल का हाथ में रहेगा। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरफ से चुनाव की भी तैयारियां हैं? निश्चित तौर पर सरजमीन हम लोग तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे और हम लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो दिशा निर्देश देंगे उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने सुना कि कहीं ना कहीं 2024 की जो चुनाव है उनकी भी तैयारियां यहाँ पे
जोड़ने का काम करेंगे। वैसे ही हमने आपको विजुअल के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे जो है काफी उत्साह का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कुछ देर में उनका आगमन होने जा रहा है। ऐसे ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे जीएन भारत से खास रिपोर्ट नेहा खान के साथ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।